और विकार भी उसके अंदर है। समाज कैसा होगा इस बात पर यह निर्भर करेगा कि उसका विकार प्रबुद्ध होगा या पुरुषार्थ प्रबुद्ध होगा। जब हम लोग पटना से दिल्ली जाते थे तो बनारस जाते जाते मन करता था कि प्रोफेसर बने, और जब दिल्ली से पटना आते थे तो फिर बनारस आते थे मन करता आईएएस बन जाए, क्योंकि बिहार में उस वक्त पावर का मतलब ही था आईएएस, और बिना पावर के बिहार में आप कुछ भी नहीं थे, दिल्ली में उसकी जरूरत हमें नहीं थी। यानी हमारा समाज यदि ऐसा समाज नहीं बनेगा जिसमें स्थित प्रज्ञ होकर हम रह सके तो हमारी समस्या है। और मैं कहना चाहूंगा शुक्ला जी से कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा कर रहे हैं, हम सब लोगों को ये प्रण जरूर करना चाहिए, आवश्यक आवश्यकता है, लेकिन ये यथेष्ट नहीं है समाज के लिए। राजनीति यदि हमारे जीवन को प्रभावित करता है करती है तो हमें राजनीति को प्रभावित करने की जरूरत है। आप अक्षुण नहीं रह पाएंगे उसमें। एक बुद्धिजीवी यदि ये सोच के बैठेगा कि कोई नृप हुई हमें क्या हानि, तो हानि उसको होगी, होनी ही है। और इसीलिए मैं आस्तों से कहता हूं कि हमें राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चुनाव लड़ें, राजनीति का मतलब ये है आप ये देखें कि आपकी सामाजिक व्यवस्था सही ढंग से कैसे चलेगी, ऐसे लोगों का चयन करें जो लोग उस सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए सही ढंग से कर सकें, उन पर अंकुश भी रखें। हमारा विकार हो सकता है, पावर करप्ट्स मैन, मैं कल पावरफुल हो जाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं कि मैं करप्ट नहीं हो पाऊं, लेकिन ये अंकुश कहीं से होना जरूरी है, बौद्धिक अंकुश। ऐसे उल्लू जैसे जनता की जरूरत नहीं होगी जो कुछ बोले ही नहीं उनके साथ हो जाए, बल्कि ऐसी जरूरत होगी जो कह सके सामने खड़ा होकर कि ये आप गड़बड़ कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर सुधार हो सके। और राजा को ये चाहिए कि वो जनता के साथ संवाद स्थापित कर सके। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, आस्तुजे ने बहुत बार जिक्र किया धर्म के बारे में, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैंने धर्म पर पिछले 25 साल से रिसर्च किया, मैंने बाइबल कुरान और गीता एक साथ जेएनयू के अपने क्लासरूम में कई साल पढ़ाया है, मैं तीनों ही टेक्स्ट पर अच्छी तरह से बात कर सकता हूं, मैं विद्वान उसका नहीं मानूंगा कि मैं विद्वान उसका, लेकिन मैं उन तीनों टेक्स्ट के ऊपर अच्छी तरह से बात कर सकता हूं। और मैं इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि हमारा धार्मिक होना ये हमारा स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं कि हम इंस्टीट्यूशन से बंधे हैं, धार्मिक होने का मतलब ये है कि हम प्रकृति के नीतियों से बंधे हुए, नियमों से बंधे हुए हैं। जो सबसे बड़ा नीतिकार था महाभारत का वो कौन था? विदुर था। वो नीति से बंध, जब कृष्ण आते थे वहां हस्तिनापुर तो विदुर के घर ठहरते थे और कहीं नहीं ठहरते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे अकेला आदमी है जो नियम से बंधा हुआ नहीं है, नीतियों से बंधा हुआ है। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था पूरी सभा में लोग नियमों से बंधे हुए थे, भीष्म पितामह भी नियमों से बंधे हुए थे, विदुर अकेले व्यक्ति थे जो इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि नीति गलत है। ये हमें लगता है अंबेडकर को जरूर पढ़ना चाहिए, वो कहते हैं धर्म दो तरह का है, दो आस्पेक्ट है धर्म का, एक है नीति का धर्म, एक है नियम का धर्म। ये नियम का धर्म बनाया जाता है और नीति का धर्म स्वाभाविक है। रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रिलीजन ऑफ रूल्स, ये रूल है जो छुआछूत है, तमाम तरह के जो नियम बनाए गए हैं महिलाओं के बारे में, दूसरे जातियों के बारे में, तरह तरह के नियम हैं, ये सब नियम है, ये नीति नहीं है। नीति वो है जो हमारे प्रकृति के ज्ञान के साथ एडजस्ट करती है हमारा जो पूरा दर्शन। किसी धर्म को नहीं, आप मैं एक एक करके हर एक धर्म ग्रंथ का कोटेशन आपको दे सकता हूं जिसके अंदर धर्म गुरुओं ने अपनी बातों को, अपने नियमों को बदला है जैसे ही उनको यह ज्ञान होता है कि ये नीति नहीं है।